तो भाई लोग आज हम करने वाले हैं 69। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे 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 भैया पूरी बात तो सुन लो, आज हम करने वाले हैं 69 सब्सक्राइबर स्पेशल Q&A। तो वैसे तो मुझे ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक भी क्वेश्चन ना आवे, सिर्फ बताओ इज्जत की बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन आए हैं और आज हम सालों का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ सही नहीं है ऑफकोर्स। और यार अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो देखो 70 लोगों ने उस सब्सक्राइब बटन पर अपना सिर फोड़ा है। अगर तुमने नहीं फोड़ा तो क्या कर लो यार, कब करोगे सब्सक्राइब, जल्दी करो। और यार मैं सोच रहा हूँ इस वाली वीडियो पे लाइक एम रख दूं, पहली बार Q&A, उसे पहली बार लाइक एम जिंदगी में। तो चलो इस वीडियो पे एम करते हैं 51 लाइक्स। शगुन का होता है 51 लाइक्स, कर देना सब। शुरुआत करते हैं अपने पहले Q&A की पहले क्वेश्चन के साथ। लौंडे 70 हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरा क्वेश्चन, पार्टी कब देगा? मैं गरीब हूँ। अरे अरे कहाँ घूम रहे हो भाई? गॉड ऑफ वॉर खेल भाई। सही बताऊं तो मैं गॉड ऑफ वॉर खेलना चाह रहा था। वैसे मैं बता दूं गॉड ऑफ वॉर PS5 एक्सक्लूसिव नहीं है, PC पे आ चुका है और 3000 से ऊपर का है। क्या उसका तो क्रैक वैक का जुगाड़ करूंगा, कैसे कैसे कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा अगर खेलना होता तो। लेकिन मतलब देखो मैं खेलना चाह रहा था गॉड ऑफ वॉर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट था मेरे दिमाग में, तुम क्लियर करने में मदद करना मेरी। उसे देखो अपने चैनल पे क्या है, अभी सारे पुराने टाइम की गेम चल रहे हैं, जैसे कि RDR2 चल रहा था पहले, फिर आया अपना Assassin's Creed वाला, वो भी थोड़ा सा पुराने टाइम का ही है। इसके बाद में रैंक सिमुलेटर भी थोड़ा सा मॉडर्न टाइम चल रहा है, इससे चैनल को काफी ज्यादा ग्रोथ ही मिली है। गॉड ऑफ वॉर भी ऐसा है, अपना थोड़ा सा पुराने टाइम का गेम है, बढ़िया ग्राफिक्स है, गेम प्ले बढ़िया, सब कुछ स्टोरी वगैरह सब बढ़िया है, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा पुराने टाइम का गेम है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर तरह गेम खेलना चाहिए मुझे, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसके रैंक सिमुलेटर की सीरीज के बाद बुली ट्राई करने की। तो वो ही बताना मुझे, काफी बढ़िया स्कूल टाइप गेम है और स्टोरी काफी बढ़िया है, तो मुझे कुबाते बकचोदी हद से ज्यादा है, सही बताऊं तो मैं उसे भी सोच रहा हूँ खेलने के बारे में। और बताना यार गॉड ऑफ वॉर खेलना नहीं, देखो मुझे लग रहा है कि गॉड ऑफ वॉर मेरे चैनल को बिल्कुल खत्म कर देगा अगर मैंने खेला आपकी बात हो, क्योंकि RDR2 और भाई Assassin's Creed पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था मुझे और काफी ज्यादा नीचे गई थी ग्रोथ। तो बताना अगर मतलब देखो 20 कमेंट भी आ गए ना गॉड ऑफ वॉर खेलने के, समझ लो आएगा फिर तो पक्का कमेंट बस लिख देना है तुम्हें गॉड ऑफ वॉर, अगर तुम्हें गॉड ऑफ वॉर चाहिए तो 20 कमेंट आ गए तो समझ लो बस आएगा। क्योंकि मुझे यार ये रहेगा ना थोड़ा सा कि चलो कम से कम 20 बंदे तो है जो देख रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं गॉड ऑफ वॉर का, मेरे अंदर से भी जी करेगा गॉड ऑफ वॉर बनाने का, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई सब कुछ। आई यू नॉट प्ले फ्री फायर? देखो ये बात मेरे से सभी पूछते रहते हैं इन जनरल, भाई फ्री फायर खेल या फ्री फायर क्यों नहीं खेलता इस तरह से। COD खेलता हूँ मैं, PUBG खेलता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत बीच बाच वीडियो आती रहती है उसकी, लेकिन फ्री फायर की एक वीडियो नहीं आई अभी तक अपने चैनल पर। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने कभी फ्री फायर खेला नहीं, खेला है मैंने ठीक है अपने दोस्तों के साथ कभी कभार, मैं दिमाग खराब हो गया था मुझे ऐसा लगा उसे कंट्रोल में समझ से बाहर हूँ, ग्राफिक्स उसके मेरे देखने की शक्ति के बाहर है और लॉजिक के बारे में तो आज मैं सोचता हूँ ना तो आत्मा काप उठती है। सॉरी फ्री फायर लवर्स, मजाक था सिर्फ, ओके आई लव फ्री फायर, डोंट अनसब्सक्राइब। भाई कहाँ से हो? UP 15 बदमाशों का क्षेत्र, मेड शहर, बता देंगे क्या है कतई जगह। क्या यार नकली है ये, देखो कुलना ऐसी। तो हाँ मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। इतने लैग में खेल कैसे लेता है तू? आंखों में आंसू आ जाते हैं यार भाई, दिल से, सॉरी मतलब दिल से, इधर हाँ इधर इधर दिल दिल से बुरा लगता है भाई सही में यार। मतलब सही बताऊं तो इसका कुछ इलाज इलाज ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरा PC मतलब देखो ठीक ठाक है, गेम चला देता है लेकिन बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं चला पाता, मतलब एकदम फुल सेटिंग पे भाई तकड़े FPS वगैरह सब कुछ ऐसे। इस चूतिया पे की बात कर रहा था मैं, क्या कहते हैं अभी जो UPS है ना वो पता नहीं भाई रैंडमली बावल हो जाता है एकदम, कभी क्या कहते हैं एकदम से ऐसे, जैसे अभी अभी डिस्प्ले गया ऐसे डिस्प्ले भाग जाता है भाई कभी कुछ कभी कुछ। सही में यार कुछ नहीं कर सकता भाई मैं इस चीज के साथ, अपनी मर्जी का मालिक है भाई ये, इस पे भाई कभी मतलब देखो ऐसा है अभी तो चलो सर्दी है तो फिर जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रह जाता है सीन, लेकिन असली समस्या आती है गर्मियों में भाई क्या है तो भाई का माहौल ही बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ऊपर से क्या कहते हैं हवा भी ये गर्मी फेंकता है अंदर,
तो भाई कई बार क्या होता है ना, पीसी क्रैश हो जाता है अपने आप, उसमें फिर भाई रैम अनइंस्टॉल करके वापिस से लगानी पड़ती है। तो यार ये तो समस्या है ही बहुत ज्यादा। मतलब भाई इसके लिए क्या है, थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह अपग्रेड कराने की। खैर धीरे धीरे कर लूँगा मैं सेटअप अपग्रेड, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैं ये वाला माइक ला रहा हूँ, ये अमेजोन से मंगवाया तुम्हारे भाई ने। तो भाई ये है ब्लू का स्नोबॉल माइक है। तो भाई इससे क्या है, थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी सही आ जाती है, इसे मैंने ऐसा हेडफोन स्टैंड बना रखा है। तो धीरे करके सेटअप अपग्रेड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो पहले वाला माइक था मैं तुम्हें बता, उसकी ऑडियो क्वालिटी काफी बेकार थी, लेकिन हाल फिलहाल से जो कुछ पिछली दो चार वीडियोस आ रही हैं उनमें ठीक ठाक ऑडियो क्वालिटी रह गई है, तो वो सब इसी माइक के कारण है। उसमें टाइम तो लगेगा अभी सेटअप अपग्रेड करने में, क्योंकि पैसा वैसा का भी जुगाड़ देखना पड़ता है, यूट्यूब मुझे घंटा कुछ नहीं देता, अभी कभी कदार सपोर्ट मिलता है, मतलब ऐसा है वो तो कभी खुशी कभी गम चल रहा है तुम्हारा सपोर्ट, ठीक है वीडियोज पे, किसी पे भाई ऐसा 70-80 व्यूज आ जाते हैं 100 के पार, किसी पे भाई बिल्कुल ही 10-20-15 व्यूज, तो यार तुम्हारा भी कुछ कॉन्स्टेंट नहीं है। देखो कहने की बात नहीं होती है चीजें, हर सैटरडे को वीडियो आती है, देख ले करो अपने आप। आपको यूट्यूबर बनने का आइडिया किसने दिया? तो ये बात है उस जमाने की, मैं फ्लैशबैक चलाना भाई, फ्लैशबैक वाली मशीन पिछले 6 महीने तक खराब पड़ी, रिप्लेस करो टीचर। तो ये बात है उस जमाने की, जब मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था और मेरी मम्मी मेरे पास आई। लाला क्या कर रहा, क्या जानते हैं पिता तेरी मौसी के लौंडे के चाचा के फूफा के ताऊ के बड़े भाई के चचेरे के मौसा के लौंडे के पुत्र के ताऊ के मामा के मौसा के चाचा भतीजा है होगा। अरे हम कह रहे हैं तो पता है 10वीं फेल होगा पूरा हुआ, लेकिन पता है बहुत बड़ा यूट्यूबर रहेगा। तो मैं करूँ कहाँ, तो पढ़ाई लिखाई में लगना, चल यूट्यूब वीडियो बना। हाँ जब भी मैं परेशान हुआ मुझे घर पे सबने बहुत सपोर्ट किया। अला तूने तो हमारे बताई ना, ये ले मैं लिए नया फोन लाया, इसका ना कैमरा बड़ा तगड़ा है, तू जैसे वीडियो बनावे तो एकदम सही बनेंगे अब तेरी वीडियोस। क्या फायदा, कंटेंट तो मुझसे बन नहीं रहा। तू दुखी काहे को हो रहा? अरे हम पंचायत लगावेंगे, उसमें क्या कहते हैं कुछ भी करेंगे, और उसको कंटेंट मिल जाएगा तुझे, अब बन जाएगी तेरी वीडियो, व्यूज और लाइक्स भी नहीं आ रहे। अरे लाला इतनी बड़ी बात नहीं है, अगली वीडियो में सही हो जाएगा, और मेहनत करना। कुछ बनाने को नहीं है मेरे पास, किस चीज पे बनाऊं वीडियो? ये देख ये ना कंप्यूटर, हमें लगा थी इसकी जरूरत होगी वीडियो बनाने के लिए, इसी हम लिया है। एक काम कर, आज से तो इसी पे काम करेगा, ठीक है? हम पूरा परिवार के साथ है लल्ला, पारिवारिक रिश्ते सब कुछ होते हैं। मेरे टीचर्स ने हमेशा मेरे पैशन को समझा। अरे बेटा तुम तो वही हो ना आकांक्षा त्यागी जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। सर नमस्ते। अरे बेटा बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो तुम तो, बहुत अच्छा काम करते हो। थैंक यू सर। देखो बेटा क्या है, आम काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इंसान को कुछ लीड से हटके करना चाहिए, और तुम वो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। बेटा किसी भी हेल्प की जरूरत हो बता देना मुझे। अरे सर आप कितने महान हैं। एक काम करो, हम तुम्हारा कैमरा पकड़ लिया करेंगे और तुम वीडियोस बनाना। कोई बात नहीं सर, आपका प्यार ही काफी है। मैं तो अपने सारे पुराने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसकी वीडियोस देखो, इसकी तरह बनो, बहुत अच्छी बात है बेटा। और हाँ बेटा पढ़ाई वढ़ाई की टेंशन मत करना, हम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, उन्हें याद करके चले जाना, हो जाओगे आराम से पास। तुम बस अपने काम पे फोकस करो, अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाओ। कबीर सिंह ने सही कहा। टच किया उसका मदरचोद। अबे नहीं, गुरु का स्थान भगवान से ऊपर होता है। अच्छा कबीर दास जी ने कहा है। मेरी वीडियो को मेरे हर दोस्त ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अरे भाई अपने घर का काम सुना? हाँ वही गेमर हार्टबीट वाला भाई यूट्यूबर बन गया, यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गया, तने उसकी नई वाली देखी? अबे लाइक भी मार दिया, मैंने कमेंट भी मार दिया, सब पे वाला मेरा। अब देख मैं अभी 15 लोगों को भेजूंगा, मैंने 75 को भेज रखी, पता मैंने तो उसका पहले दिन चैनल सब्सक्राइब मारा था, चैनल बनने से पहले सब्सक्राइब रखा। दोस्ती दोस्त के काम आते हैं। नहीं लबड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस बताऊँ तो ऐसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन मतलब तुम कहोगे तुम्हारी थोड़ी बहुत डिमांड हुई तो स्टोरी टाइम वीडियोज भी बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जिंदगी में काफी मजा है, किससे जो तुम्हें बताए चाहिए तुम्हें मजा आएगा सुन के। अगर मैं अभी के लिए शॉर्ट में बताऊँ तो भाई हमारे साथ ऐसा था, हम क्लास में खूब ज्यादा मतलब क्लास में कभी, लेकिन हाँ ट्यूशन में खूब ज्यादा बकचोदी करते थे, स्पेशली इंग्लिश के ट्यूशन में। हम 3-4 लोंडे थे भाई, खूब मजे लेते थे और बकचोदी करते थे बहुत ज्यादा। तो जब से हम सोचते थे कि क्यों ना इस चीज को कहीं मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे किया जाए, जैसे कैमरे के सामने या फिर इस तरह से करने के बारे में हम सोचते थे। तो भाई फिर क्या कहते हैं, मैं घर पे आया, मम्मी को बताया मैंने, और जैसे कि हर पेरेंट्स का रिएक्शन होता है, उनका भी कुछ अलग नहीं था कि कुछ नया बकवास है रहने दे छोड़ दे, लेकिन मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। एक किताब थी मेरे पास, काफी सही थी वो ऐसी थी मतलब चीजों को याद करने के बारे में, इन सब चीजों के बारे में थी वो मेमोरी से रिलेटेड।
तो मैंने वो पढ़ी थी तो मुझे वो काफी सही लगी। उसमें काफी सही ऐसी टेक्निक्स वगैरह बताई थी जिनसे तुम आसानी से चीजों को याद कर सकते हो। तो मैंने उसे पढ़ के उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी पहली पहली। सही बताऊं जब वो वीडियो मैंने पब्लिक करी यूट्यूब पे डाली तो जो हमारा ट्यूशन वाला ग्रुप था उसमें मैंने शेयर करा। तो शेयर करने के बाद मैं क्या हुआ ट्यूशन गया, तब तक वो वीडियो सबने देख ली थी और भाई सही बताऊं तो जैसे मैं घुसा अंदर मतलब एकदम से उठी हुई दबा के जैसे कहते हैं ना बाले ऐसे। और भाई मतलब काफी सही लगा था मुझे उस टाइम, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी हूं मैं। या सुनता हूँ तो उस टाइम पे ऐसा माहौल हो गया था जैसे हमारे ट्यूशन में कैरी भैया आ रहे हो। तो मुझे काफी मतलब सही सा लगा। और फिर मैंने थोड़े दिन में एक और वीडियो बनाई, उसमें मैंने बिल्कुल ही अलग चीज करी। सही बताऊं तो उसमें क्या करा, ये वाला फोन भी उसी टाइम का है, फिर मैंने घर पे जैसे तैसे करके रो पीट के ये वाला फोन ले लिया था। ये है 2018 के आसपास का, काफी पुराना हो गया इस टाइम पे, बिल्कुल चलना बंद हो गया ढंग से। और भाई मुझे क्या है केमिस्ट्री का बहुत शौक था, मतलब वैसे नहीं पढ़ने वढ़ने का नहीं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था। एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता था, अगर मतलब मान लो कोई रिएक्शन है ऐसी वो बस पढ़ी पढ़ी है मैंने, तो भाई मुझे कमी याद नहीं होती थी ढंग से। लेकिन हाँ अगर मैंने उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करके देख लिया तो भाई मुझे तुरंत याद रहती थी। तो भाई क्या है मेरे घर पे हीटिंग का स्प्रे रखा था, तो मैंने क्या करा उससे मतलब ऐसी मजे मजे में एक ऐसी माचिस की तीली जलाई और उस पर मार के देखा तो भाई आग लग गई। क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि हाँ उसके अंदर एल्कोहल होती है वो जल जाती है, तो मुझे मजा आ गया। तो फिर मैंने सेम चीज क्या करा कैमरे के साथ करी, अपने कुछ दोस्तों के साथ में लिया। वो वीडियो अब यूट्यूब से हट गई है। तो भाई हम क्या उस टाइम एंटी के ट्यूशन में जाते थे, तो वहां से आते टाइम हमने वीडियो बनाई वो एक खेत में, और फिर वो काफी ज्यादा चली भी थी। सेम रिएक्शन जब मैं और मेरे दोस्त घुसे थे ट्यूशन के अंदर, भाई सेम रिएक्शन हमारे ट्यूशन के सारे बंदों का उस टाइम था। तो काफी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग से आई। फिर क्या कहते हैं मेरी बाकी वीडियोस नहीं चली, तो जो हिट स्प्रे वाली वीडियो थी उस पर करीब करीब 1400 के आसपास, मतलब 1004 नहीं 1141 व्यूज थे जिस टाइम वो डाउन हुई। डाउन होने की भी एक कहानी है थोड़ी सी। उस टाइम क्या था भाई पबजी बहुत ज्यादा खेलता था, फोन तो मेरे पास वाला था ही उस टाइम, ये काफी नया था और मतलब काफी पावरफुल भी था उस टाइम के हिसाब से 4/64। तो इसमें पबजी एकदम मक्खन चलता था, तो पबजी काफी ज्यादा खेलता था। मतलब चैनल में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं खेला पबजी, लेकिन सही बताऊं तो उस टाइम जो वैसे मतलब रियल लाइफ में मैं बहुत ज्यादा पबजी खेलता था। तो भाई पबजी खेलते खेलते मुझे लगा कि यार इस चीज को भी तो डाल सकता हूँ मैं यूट्यूब पे, काफी सारे गेमिंग चैनल थे, तो मुझे लगा कि मैं भी तो सेम चीज कर सकता हूँ, मैं भी काफी बढ़िया खेलता हूँ पबजी। तो भाई मैंने क्या कहते हैं पबजी खेल के उसकी वीडियो डालना शुरू कर दी एक दो, और उसमें उस टाइम जोम्बी मोड वगैरह आए थे नए, तो उनकी मैंने वीडियोस गेमिंग शुरू कर दी। भाई ऐसी करते धीरे धीरे 12वीं हो गई मेरी, 12वीं के बाद पीछे ले लिया मम्मी से जैसे तैसे कहकर रो पीट के दिलवा ही दिया फाइनली मम्मी ने। इस पे क्या कहते हैं फिर मैंने उस टाइम के जो बढ़िया बढ़िया गेम थे वो गिरवाए। बस अब जो भी तुम्हारे सामने है ये एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर चीज ने इंस्पायर करा हो, किसी ने भाई बोल रहा हो कि हाँ जाके वीडियो बना। एक तो हाँ ये है कि भाई जो अप्रिसिएशन मिला था उस टाइम पे उसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करा था। उस मतलब जब मुझे वो अप्रिसिएशन मिला था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये वो चीज है जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मुझे करनी चाहिए। मतलब यार ये चीज होती है ना जिसे करते हुए तो मजे भी आ रहे हैं और तुम्हें उस चीज के ऊपर कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, पैसे भले ही नहीं मिल रहे लेकिन खुशी मिल रही है तुम्हें। तो वही चीज थी मैं इसके साथ में, और इस तरह से मुझे अपना पैसा भी मिल गया था कि हाँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बकचोदी करना ये सब। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल सब कुछ ऐसा सही से चलता रहा, कई बार भाई कई लोगों ने पूरे भाई गांड तक के जोर भी लगाए रोकने के लिए सब करा, लेकिन एक डिटर्मिनेशन होती है ना उसने मुझे भाई चलते रहने दिया। जब कोई मुझे रोकने की कोशिश करता था ना, जब भी भाई मेरे रास्ते में कोई रुकावट आती थी, कई भाई ऐसी भी वीडियो है अपने चैनल पे तुम देखोगे अगर तुम देखना चाहो तो, उस पर 2 या 3 व्यूज है अभी तक भाई, अभी तक इस टाइम तक 2 या 3 व्यूज। कई बार ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, काफी बुरा भी लगता है, लेकिन हाँ ये है कि जो चीज होती है ना कि भाई मुझे करना है ये मेरा पैसन है, बार बार कहते हैं कि चलता रहे तो और बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया करना है। तो आज वाली वीडियो बस इतना ही, मजा आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई सब कुछ हो जाना चाहिए। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, ये Q&A था, काफी बढ़िया वीडियो थी, तो बस दबा दो दबाओ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जल्दी से। और 51 लाइक्स का एम है, जितने भी तुम्हारे दोस्त है भाई सबको दबा के शेयर मारो। मुझे नहीं पता एक बार 100 लोगों ने इस सब्सक्राइब बटन पर अपना मत्था फोड़ लिया तो फिर कुछ बहुत बढ़िया आएगा। तो
तुम्हें मजा आ जाएगा। जैसे अभी 69 सब्सक्राइबर वाला क्यूएनए था, क्यूएनए नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है, सरप्राइज है।